और आज फाइनली हम देख रहे हैं कि ग्रैंड लॉन्च हो चुका है, तो आप लोग बताइए कि कैसे आप लोगों का कोलैबोरेशन हुआ एक साथ, आप चारों क्या कहना चाहेंगे भाई? कोलैबोरेशन तो नहीं है, हम लोग स्टार्टिंग से ही फ्रेंड्स टर्न इनटू फैमिली थे, ये लोग तीनों तो ऑब्वियसली फैमिली भाई बहन ही हैं, तो हम लोगों का फ्यूचर कोलैबोरेशन से हुआ है और नगमा इज ऑफ कोर्स नाउ फैमिली एज अ फैमिली मेंबर ओनली, तो बहुत अच्छी दोस्त भी है हमारी हम सब की और हम एज अ फैमिली मेंबर ही लेते हैं नगमा को भी और वो भी आई थिंक यू आल्सो टेक इट यस ऑब्वियसली तो नहीं तो हम लोग स्टार्टिंग से ही साथ में कंटेंट बनाते थे एंड पहले से हम लोग को एक था कि साथ में कुछ शुरू करना है और थोड़े हम लोग अतरंगी, अगर आपने हमारा कंटेंट भी देखा होगा तो हम लोग ट्राई करते हैं कि जो ट्रेंड्स होते हैं हम लोग उसको ब्रेक करें और कुछ अतरंगी स्टाइल में प्रेजेंट करें, तो था कि ऐसा एक टीम बनाकर हम लोग कुछ स्टार्ट करेंगे, तो फाइनली आज हमने स्टार्ट किया है ऑफिशियली आप लोगों के साथ। और ये नाम काफ़ी यूनिक है, ये किसका आइडिया था अतरंग्स? ये आई थिंक मिल के ही डिसाइड किया था क्योंकि बिकॉज हम लोग सब यूनिक कॉन्सेप्ट बना रहे थे, डिसाइड कर रहे थे एक्चुअली ये ऐसे ही होता है, हम बहुत डिसाइड करने की सोचते हैं बट वो हो नहीं पाता और जब साथ में आते तब निकल आता, जब सडनली सब कुछ आ जाता है। एक्चुअली बात ये कर रहे थे हम, मुझे याद है हम लोग ऑफिस में बैठे थे और ये बात कर रहे थे कि यार इस टाइम ना कुछ अतरंगी नाम होना चाहिए, और वही ना तो अचानक से किसी ने तो बोला था उठ के कि याद नहीं आ रहा अतरंगी, मतलब अतरंग अतरंग टाइप का नाम रख दे क्या, मतलब थोड़ा ज डाल के हमने उसको तो फिर फंकी गए, मैं जेड नहीं था मेरा नाम तो सोचे जेड डाल दो। एक्चुअल में इफ यू गो टू सी आल्सो अतरंग्स के अल्फाबेट्स में सबके नाम भी आते हैं अंदर, पर उसमें जेड नहीं था तो हमने ऐड कर दिया, जेड डाल दिया हमने। और कोहर भी आ गई अब तो, अरे जी भी है फिर सिर्फ टी और आर की जगह है ना, तनवीर रजी तो अपने अपने नाम सब ढूंढ लेंगे। इसके अलावा आपने जो डिजाइनिंग की है उसके बारे में कुछ बताइए हमें। डिजाइनिंग ऑनेस्टली अरे वो बोला किसने डिजाइनिंग मैंने एक्चुअली मेरे डैड बहुत अच्छे मैं बोलूँगा उनको इंटीरियर डिज़ाइनर है, तो मैंने हमेशा उनको देखा था कि वो घर पे भी इंटीरियर कर रहे हैं, अपने ऑफिस में भी इंटीरियर कर रहे हैं, स्टूडियोज़ में भी इंटीरियर कर रहे हैं, तो आई ऑलवेज टू सी दैट, तो मैंने आई थॉट इवन लेट्स ट्राई, तो इन अतरंग देर इज नो इंटीरियर डिजाइनर आई थिंक, मैं बोलूँगा तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। हाँ वही मैं बोलेगा, मैं बोलता हूँ उसके बारे में कि अतरंग्स का इंटीरियर मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग से लेके बोलते हैं ना स्क्रैच से लेके एंड तक सिर्फ उसने ही किया है, हमने सिर्फ बोल दिया था कि हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग बाद में आएंगे और जब बन जाएगा तब आके देखेंगे और तब बताएंगे एज एन ऑडियंस कि कैसा लग रहा है, और हम लोग ने लिटरली वही किया एक्चुअली। या हाँ एग्जैक्टली, पूरा के पूरा ए टू जेड हम लोग ने ट्रस्ट करके, अगर आप 2-3 महीने पहले ये जगह पर आते तो ये पूरा एक खंडर जैसा था एंड इसकी शादी भी थी उसके सबके बीच में, he managed it so well and एक एक कॉर्नर आप अगर देखोगे ना तो उसने अच्छे से किया है, so I'm so proud of you Zed, he is the interior designer of Atrans, thank you yes. But actually it's of course teamwork, क्योंकि अगर मुझे trust किया इतना तो उस तरीके का return भी मुझे देना था and you saw, I think everyone saw कैसे मैंने return दिया and they loved it, so yeah. आर रिएक्शन वॉज एग्जैक्टली लाइक यू गाइज, जैसे आप लोग ने पहली बार देख के कैसे रिएक्ट किया हमने भी सेम रिएक्ट किया जब हमने फर्स्ट टाइम देखा और हम लोग ऐसे हो गए थे क्योंकि हमें भी दिखाया नहीं गया था जब तक फाइनल नहीं हुआ था, स्टूडियो छुपा के रखा था जैसे। वाइफ से तो डिस्कशन शादी के पहले से ही थी क्योंकि ये तो काफी टाइम पहले से ही बन रहा है, तो डिस्कशन तो चालू ही थी, इनफैक्ट मेरी वाइफ ने मुझे ऑफिस का आइडिया तो पूरा उन्होंने ही दिया, तो या आई थिंक आई विल रिवील दैट आल्सो, या ही टोल्ड मी अबाउट दैट, आई थिंक आई टोल्ड यू, तो या गौर गेव मी दैट ऑफिस का वाइब थोड़ा, व्हिच इज वेरी गुड, मतलब द कलर कॉम्बिनेशन इज नाइस, शी इज आल्सो क्वाइट गुड इन इंटीरियर, थैंक यू गौरव। आप तीनों आपके करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो आवेश, थैंक यू सो मच, चारों हैं, आई मीन चारों, लेकिन इस्माइल सर को कितना प्राउड, अच्छा फैमिली वाइज, अच्छा फैमिली वाइज, ओके सॉरी इस्माइल सर की क्या फीलिंग है अतरंग्स को लेकर और क्या कहा उन्होंने, कितने इमोशनल ऑफ कोर्स हुए होंगे? मेरा छोटा वाला है, वो बहुत ओपन है इसके बारे में, वो एकदम क्लियरली बता रहे हैं इस बार, क्योंकि जब भी हम
किधर भी फंक्शन में जाए या कहीं भी जाए तो वो ओपनली बोलते हैं कि मैंने मेरा हाथ कहीं पर भी नहीं है, जो भी है मेरे बच्चों ने किया है. एंड वो सुनने के बाद आई थिंक कोई वर्ड्स ही नहीं रहता है. उसके बाद मेरे पास वर्ड्स है ही नहीं बताने के लिए, क्योंकि अंदर से एक डिफरेंट वाइब आती है और वो अतरंगी वाइब अभी तक है जो मैं बोल भी रहा हूँ तो मेरे को महसूस हो रहा है. सो या दैट इज़ इट. प्राउड वाला मोमेंट था. मेरे बच्चे he's become very old. हाँ, he's actually yeah expressive. बहुत very expressive. पहले expressive हो चुके हैं. हाँ, मैं expressive बोलने पहले पहले संभालते थे बहुत expressions, पर अभी एकदम खुल के बताते हैं, which is good. आप चारों का कब एक साथ music video देखने मिलेगा आप और? अभी आपने question डाला तो I think किसी ने पकड़ लेगा और कोई ना कोई offer करेगा mostly. देखो क्या पता हमारा खुद का भी कुछ आ जाए. यस, वी वर प्लानिंग टू डू इट बिफोर अतरंग्स. आई थिंक वो सब फैक्ट. हम लोग अतरंग्स का ओपनिंग वाज यस आर एल्बम. डिसाइडेड दैट या बट दैट डिडंट हैपन बिकॉज़ लॉकडाउन भी हो गया था और शादी भी हो गई. हां, शादी भी हो गई तो उस बीच में बहुत सारा हो गया. एंड बट आपको अतरंग्स में आगे फ्यूचर में बहुत सारी चीजें देखने मिलेगी जो म्यूजिक से रिलेटेड भी होगी. yes. तो स्टे ट्यून्ड. मैं इसके आगे नहीं बोलूंगी कुछ. और एक चीज जानना चाहूंगा, कंटेंट क्रिएटर के लिए फर्स्ट प्लेस है ये. हमने देखा था कि कंटेंट क्रिएटर जो है बाहर जाके वीडियोस बनाते थे, अब जो है ये एक प्लेस हो गया, तो उस बारे में कुछ बताइए हमें, कंटेंट क्रिएटर को कितना फायदा. इस बारे में तो बहुत कुछ है. इस बारे में अवेज, जिसको मैं भाईजान बुलाता हूँ, वो सबसे अच्छा बताएगा. मैं क्या बताऊँ, हमने 3-4 साल पहले वीडियोस बनाना चालू किया था और आई थिंक ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहाँ पे हमने वीडियोस नहीं बनाए. और हर कोने से हमको बोला गया है कि यहाँ नहीं बना सकते वीडियो. तो स्टार्टिंग फ्रॉम होटल और प्लेग्राउंड, रोड्स पे तो हम वैसे ही नहीं बनाते थे. ऐसी बहुत सारी प्लेसेस थी, मॉल्स, जहाँ पे हमको बोला जाता था कि वीडियोज़ यहाँ पे अलाउड नहीं है. तो हम लोग बहुत डिसहार्टन हो जाते थे और बोलते थे अरे यू नो वी आर शूटिंग फ्रॉम फोन और फोन में इतना इश्यूज नहीं होना चाहिए. सो देन वी सेड कोई बात नहीं. वी इनफैक्ट गॉट इंस्पायर्ड बाय दैट. एंड जब हम लोगों को हिट कब हुआ, जब खुद की बिल्डिंग में बोला कि नहीं बना सकते, नहीं आप नहीं बना सकते हो यहाँ पे, तो फिर तो ऐसे ही हो गए हम लोग, अब कहाँ जाए. एंड देन सडनली इट क्लिक्ड कि आई नो हम वी गॉट इंस्पायर्ड कि अब क्या करते हैं, हम हमारा खुद का एक प्लेग्राउंड बनाएंगे जहाँ पे हम जैसा हम सबके साथ बचपन में होता था कि यू नो हमारे एरिया में प्लेग्राउंड्स नहीं होते थे खेलने, तो हम लोग बिल्डिंग्स में खेलते थे. तो बिल्डिंग वाली आंटी आती है ना और बोलती है कि यहाँ पे मत खेलो. तो उसी चीज़ ने हमें काइंड ऑफ इंस्पायर किया. दिस इज आर कंटेंट प्लेग्राउंड एंड वी आर वेलकम आल्सो. या सो दिस क्या हुआ है ना, पास्ट फ्यू ईयर्स में इंडिया में सोशल मीडिया काफी ग्रो हुआ है बट उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ग्रो नहीं हुआ है. एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड टू डू वाज इंडिया में फर्स्ट ऐसा स्टूडियो बनाना चाहते थे कि बाकी जो कंटेंट क्रिएटर्स है, जो बडिंग कंटेंट क्रिएटर्स है, वो लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं, अपने वीडियोस बना सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं. तो या सो दिस इज अ कंटेंट क्रिएशन स्पेस एंड एवरीबॉडी इज वेलकम. सो मेनी डिफिकल्टीज. अगर आप लोग इस बारे में कुछ बता पाए कि जब आप लोगों ने शुरुआत की थी, आप तो ऑफ कोर्स कोरियोग्राफर हो आप, लेकिन जब शॉर्ट वीडियो की शुरुआत हुई थी तो आपके जो फैमिली वाले उनके क्या रिएक्शन थे, इस्माइल सर की क्या रिएक्शन था कि जो है बच्चा इस तरफ पूरी तरह से जाने वाला है? एक्चुअली उनको अभी ऑनेस्टली इफ आई टेल यू, स्टार्टिंग में किसको पता ही नहीं था सोशल मीडिया है क्या, किसी को नहीं पता था. सो इवन हमारी फैमिली को भी आइडिया नहीं था. इनफैक्ट जैद और अनम भी बहुत लेट ज्वाइन किए. सो नगमा एंड मी, वी स्टार्टेड, वी वर द फर्स्ट वन टू स्टार्ट. मैं खुद इंस्पायर हुआ नगमा से, क्योंकि वो मेरी स्टूडेंट थी मेरे क्लासेस में और हाँ वो वीडियोस बनाती रहती थी मेरे क्लास में और मैं देखता था. मैं बोला ये क्या कर रही है और क्यों इतने ना शॉर्ट कंटेंट बना रही है, जबकि मैं यूट्यूब पे इतने बड़े बड़े कंटेंट बनाता था. सो एंड आई वाज लाइक ओके लेट मी सी व्हाट्स हैपनिंग. सो देन आई सॉ कि शी वाज रेगुलर, एवरी सिंगल डे शी वाज क्रिएटिंग एंड आई वाज लाइक ओके. एंड आई सॉ फॉलोअर्स ग्रोइंग वेरी वेरी फास्ट. तो आई वाज लाइक चलो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू डू, वे यू नो यू शोकेस योर टैलेंट एंड व्हेन यू शोकेस योर टैलेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस, your audience, they know के you know you're there for entertainment, so they
आर ऑलवेज देयर फॉर यू एंड दे यू नो कीप इंटरैक्टिंग विद यू. मतलब सोशल मीडिया इज द न्यू, इट्स द न्यू थिंग या एंटरटेनमेंट. सो और अच्छी बात ये है कि हम सब ने एक दूसरे को बहुत इंस्पायर किया है एक्चुअली. या करते रहेंगे और करते रहेंगे राइट. और जैसे कि आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया इन दिनों बहुत बूम कर रहा है. और थोड़ा सा अलग सवाल है, जो KGF चैप्टर 2 का जो ट्रेलर आया है, उस टीजर आया है, उसने 100 मिलियन के ऊपर व्यूज कर लिया. अगर आप लोगों का क्या रिएक्शन है, अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोगों को कैसा लगा, थोड़ा सा अगर उस बारे में बताएं आप लोग. मैंने तो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली. मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा KGF. आई थिंक व्हाट डू यू से, fans of KGF. Yeah. Lot of yeah, because हमने teaser निकाला तो सबने नीचे comment किया था, ये तो ठीक है, but क्या आपने KGF का teaser देखा है क्या? KGF of course देखा है हमने. हमारे favorite parts भी उसके अंदर. हाँ. जहाँ पे machine gun निकाल के. वैसे सोचा भी था कि बड़े-बड़े बाल करके ऐसा खड़े रहूँ, but बढ़ते ही नहीं है बस. We get inspired by the audio as well. के KGF का पहले first part में भी बहुत. I'm looking forward to watching. Yeah, the music was mind blowing. And now this time it's Sanjay Dutt. Yes, so. So good, no, they give us good music and then and we create stuff. Create content on that music. Yeah. So thank you. Thank you so much, guys. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Thank you so much. Thank you. Lots of love. Thank you. Chal.